टैंकबंड में वाक़ वाइसराय होटल के रूबरू में मौजूद सुल्तान बाग मस्जिद मुस्लिम कब्रिस्तान, जिसमें एक दरगाह भी मौजूद है, इसमें एक दिलसूज वाक़ा पेश आया। तफसलात के मुताबिक कब्रिस्तान में खबर खोदने वाले एक मुस्लिम शख्स ने ही सिर्फ 1500 रुपए की खातिर अपना ज़मीर बेच दिया और एक औरत की जानिब से दिए गए मरे हुए कुत्ते की लाश को कब्रिस्तान में दफनाने की कोशिश की गई, जिसे मुकामी अवाम ने नाकाम बना दिया और उस शख्स को पकड़ते हुए उसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में की, जिस पर पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान उस शख्स ने भागने की भी कोशिश की थी। मुकामी अवाम ने जब औरत से पूछा तो उसका कहना है कि इससे पहले भी उसने कुछ पैसे देकर एक कुत्ते को मर जाने पर उसी कब्रिस्तान में दफनाया था। सवाल ये उठता है कि मस्जिद, दरगाह व कब्रिस्तान के मुतवली निगरानकार सदर आखिर कर क्या रहे हैं जो इस तरह के शर्मनाक वाकयात रोनुमा हो रहे हैं? क्या उन्हें इसका इल्म नहीं? और कोई चंद पैसों के लिए किस तरह ऐसी हरकत कर सकता है? इस पूरे वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए और इस तरफ खास तवज्जो दें कि आगे चलकर इस किस्म के वाकयात पेश ना हो। कब्रिस्तान के सदर का नाम रूही पाशा बताया गया है। दूसरी बार हम लोग चलो पहले लेके चलो।